नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, हमें जब फाइंड आउट करना है कि कोई जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स यूज़ करेंगे जिससे हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं. उसके लिए हमने प्रॉपर्टीज वन है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर. एक ऐसा नंबर जिसका जो एंडिंग जो यूनिक डिजिट है वो क्या है, 2, 3, 7 या 8 है, तो उसका वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. लाइक 82 जो आपका एंडिंग है वो कितने हो रहा है, 2 से 3 से. हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं 78 एंड 77. सो जिसके पीछे 2, 3, 7 और 8 आ रहा है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी, और नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0, मतलब एक नंबर है उसके पीछे 0 होंगे, पर 0 की जो डिजिट है वो 0 जितने हैं वो कितने चाहिए, ऑड नंबर में होने चाहिए, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. लाइक 160, ओनली 10. सो देखिए 1 इज एन ऑड नंबर, सो 10 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 4000, कितने 0 हैं, 3. 3 जो है नंबर वो ऑड है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देन कितने नंबर ऑफ 0 हैं, 5. सो 5 इज ऑल्सो ए ऑड नंबर. सो अगर आपके नंबर के पीछे ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, उसका रिमाइंडर क्या रहता है, 2, तो वो एक नंबर जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लाइक एग्जांपल 578, जब आप इसको डिवाइड करते हैं 3 की टेबल से. सो देखिए 3 वन ज़ा 3, 2 7, 3 9 ज़ा 27, 8 तो आपने यहाँ पे लिखा, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2. इट मीन्स जैसे ही रिमाइंडर 2 आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. प्रॉपर्टी 4, इफ अ नंबर 1 डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, या तो रिमाइंडर 2 आए या 3 आए, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जब आप नंबर है उसको डिवाइड करते हैं 4 से, उसका रिमाइंडर 2 या 3 आता है, तो आपका वो अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लाइक एन एग्जाम्पल 798. नाउ स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. यानी अगर आप किसी एक इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा, इवन आएगा. लाइक अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 4 = 16. 6 का स्क्वायर करते हैं हम, 6 × 6 = 36. 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64. ये हम एग्जांपल्स देख रहे हैं जो हमारे पास स्क्वायर आया है. हमने स्क्वायर किसका किया, ओनली इवन नंबर का. जो स्क्वायर किया इवन नंबर का, तो जो आंसर्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, इवन आएंगे. नाउ प्रॉपर्टी 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. और अगर आप एक इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो इवन नंबर आता है. एंड ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे ऑड नंबर का, तो जो आपका आंसर है वो भी क्या आएगा, ऑड. लाइक 3 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ, 3 × 3 दैट इज 9, एन ऑड नंबर. एंड 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 5 × 5 = 25, दैट इज ऑल्सो ए ऑड नंबर. एंड 7 का स्क्वायर, सो 7 × 7 दैट इज 49, 49 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. तो जब आप इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास एक ऑड नंबर आएगा. प्रॉपर्टी 8 है हमारी, अगर हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो हमेशा नंबर से स्मॉल होगा. लाइक ये हमारे पास है प्रॉपर्टी 7, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का आपने स्क्वायर निकाला, इज द स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. तो जो आंसर आएगा, स्क्वायर आएगा, वो आपके उस नंबर से स्मॉल होगा. लाइक आपके पास एग्जाम्पल है, हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है 2/3 का स्क्वायर. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है,
प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपका जो न्यूमरेटर टर्म है वो लेस होती है डिनोमिनेटर टर्म से. सो यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर करेंगे हम. सो देखिए 2/3 का स्क्वायर मीन्स 2/3 को आपको मल्टीप्लाई करना है विद 2/3. 2 × 2 = 4 एंड 3 × 3 = 9. सो यहाँ पे आ गया हमारा 4/9. अब देखिए 2/3 का स्क्वायर निकाला हमने 4/9. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं सो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से. सो देखिए 3 × 4 = 12 एंड 2 × 9 = 18. सो 12 इज स्मॉलर देन 18. यानी जो आपका स्क्वायर आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का वो प्रॉपर फ्रैक्शन जो नंबर है उससे क्या होगा स्मॉल होगा. ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 7. स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 8 आपके पास गिवन है फॉर एवरी नेचुरल नंबर. कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर है आपके पास, हम लेते हैं नेचुरल नंबर n है हमारे पास, वी हैव. अगर आप उस नेचुरल नंबर में प्लस वन का होल स्क्वायर यानी n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नंबर है अगर आपके पास में, तो देखिए n प्लस वन का होल स्क्वायर a और माइनस n स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे हम ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी. वैसे देखिए एन प्लस वन एक बार प्लस एन, ये जो माइनस है नहीं यहाँ पे लिखा हमने प्लस एन और एक बार इसको माइनस में लिखा है. ओके नाउ अब हम जब इसका स्क्वायर करते हैं तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बनता है, बचता है n प्लस वन प्लस वन. इसको सॉल्व करके देखिए n प्लस वन प्लस n को आपको मल्टीप्लाई करना है n प्लस वन माइनस n से. सो देखिए n इंटू n n स्क्वायर n इंटू प्लस वन प्लस n n इंटू माइनस n माइनस n स्क्वायर. प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज जैसे जाएगी प्लस n प्लस वन माइनस n n इंटू n n स्क्वायर प्लस का n इंटू प्लस वन प्लस n n इंटू माइनस n माइनस n स्क्वायर. सो देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कट, आपके प्लस n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कट, प्लस n से माइनस n कट. अब आपके पास क्या बचा है n प्लस वन प्लस n, यही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस वन आपके पास रहेगा. इट मीन्स सपोज अगर आपके पास कोई नंबर है 95 का स्क्वायर ओके और माइनस इससे एक नंबर स्मॉल करके हम लिखे n प्लस वन का स्क्वायर तो n कितना हो गया 94 n प्लस वन 95. तो आपको इनका स्क्वायर पूछो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 95 प्लस 94. 5 + 4 = 9, 9 + 9 = 18. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 189. तो हम डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके प्रॉपर्टी 9 है हमारी सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. इट मीन्स देखिए अगर आपके पास n ऑड नंबर्स है और हमें पता करना है कि उन सबका सम कितना होता है तो उसका सम कितना होगा n स्क्वायर. लाइक एन एग्जांपल सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. सो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या है 1, 3, 5, 7 and 9. ये जो है आपके क्या है फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. तो देखिए नंबर्स कितने हैं 5, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर n का स्क्वायर n यहाँ पे क्या हो गया 5. तो n का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर. तो आंसर कितना आएगा 25. अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. देखिए 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 कितना होता है आपके पास 16 एंड 16 + 9 जो है हमारा वो क्या होता है 25. सो हम डायरेक्टली ऐड ना करके इतना बड़ा प्रोसीजर यूज ना करके हम डायरेक्टली क्या करेंगे जितने ऑड नंबर्स का हमें सम पूछा है उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. ओके
जो 10 प्रॉपर्टी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, आपके पास 3 नंबर्स है, लाइक हमारे पास 3 नंबर है जो नेचुरल नंबर्स जिनको हम डिनोट कर रहे हैं एम एन एंड पी से। सो इफ़ यू हैव 3 नेचुरल नंबर्स एम एंड पी, सो अगर उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोलेंगे, जब उनका रिलेशनशिप क्या होगा कि एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है, एम की वैल्यू मैंने ली है 4, एन की वैल्यू ली है 3 एंड पी की वैल्यू ली है 5। तीनों जो है आपके वो नेचुरल नंबर है, सो हमें बताना है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो देखिए 5 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25। इट मीन्स जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है आपका, एक जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दो नंबर्स हैं अगर आपके पास कॉन्सिक्यूटिव लाइक एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर, सो दे आर टू एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अगर आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनके बीच में जो आपका नॉन परफेक्ट नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, 2n। लाइक एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे n की वैल्यू ले ली है 2, सो n का स्क्वायर निकालेंगे हम, n स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, n प्लस 1 का स्क्वायर, सो n हमारा 2, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, सो 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 2n, सो 2 इंटू एन की वैल्यू क्या थी 2। तो कितने नंबर्स हैं जो नॉन स्क्वायर हैं, इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 4 नंबर्स, लाइक 5 6 7 8, ये जो है आपके 4 नंबर्स वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया, और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हाउ मैनी नंबर्स देयर आर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।